जाना है आपको, वीडियो बना है बिल्किस बानो याद है आपको, 2002 का गोधरा कांड जिसमें बिल्किस बानो के साथ 11 लोगों ने बलात्कार किया था और उसकी 3 साल की बच्ची को उसकी आंखों के सामने पटक कर मार दिया था, उसकी जान ले ली थी। जी हाँ, आप सोचिए कितना भयावह था। इसी के साथ उसके और 11 जो घर के परिवार के मेंबर थे उनको भी उसी के सामने मार दिया गया और जो उनके साथ महिला है उनका भी बलात्कार किया गया। अब ये आप बिल्किस बानो की खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कि वो जिंदा बच गई। और आज जो सरकार ने 75वें आजादी के 75वें साल पर जो गुजरात सरकार ने उनको तोहफा दिया है और जो न्याय का गला घोटा है और जो महिलाओं के सम्मान का जो दावा करती है उसका जो उन्होंने चीरहरण किया है उससे पूरा देश आहत है, लेकिन इस पर बात कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि जो विक्टिम है जिसके साथ रेप किया गया है वो बिल्किस बानो है, वो मुसलमान है। अगर वही निर्भया होती है तो पूरा देश उबल उठता है और दोषियों को फांसी तक हो जाती है, लेकिन बिल्किस बानो जिसकी आंखों के सामने उसकी 3 साल की बच्ची को मार दिया गया हो और 11 लोगों ने उसको बारी बारी के साथ रेप किया हो, उन दोषियों को जो है सरकार गुजरात की बीजेपी सरकार रिहा कर देती है। और वो भी कब, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, आजादी का 75वां साल मना रहे थे। आप सोचिए बीजेपी सरकार मुसलमानों से नफरत के चलते कितना गिर चुकी है कि वो जो बलात्कार के दोषी थे, जो सजा काट रहे थे, उनको मर्सी पेटिशन में उनको रिहा कर देती है। अब इस पर बिल्किस बानो का जवाब आया है, उनका बयान आया है जो हर भारतीय के कलेजे को झकझोर देगा, जिसके जिस सीने में दिल होगा वो बात को वो ये उसकी उसका जो जवाब है उसको सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, देखिए बिल्किस बानो ने एक लेटर जारी कर अपना बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, देखिए बिल्किस याकूब रसूल का बयान 17 अगस्त 2022, उन 11 अपराधियों की रिहाई पर जिन्हें बिल्किस बानो पर सामूहिक बलात्कार और परिवार की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था उस पर उनका जवाब आया है। 2 दिन हुए 15 अगस्त 2022 को मुझ पर जैसे पिछले 20 सालों का सदमा फिर से कहर की तरह टूट पड़ा। जब मैंने सुना कि 11 आरोपियों ने मेरा पूरा जीवन नष्ट किया, मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को खत्म किया, मेरी 3 साल की बेटी मुझसे छीन ली, वो सभी आरोपी रिहा कर दिए गए हैं, आजाद घूम रहे हैं। ये सुनने के बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, मैं सुन्न और खामोश सी हो गई हूँ। आज मैं केवल इतना कह सकती हूँ, क्या एक औरत को दिए गए न्याय का अंत यही है? मैंने इस देश के सबसे ऊंचे न्यायालय पर विश्वास रखा, मैंने इस व्यवस्था पर विश्वास रखा, मैं धीरे धीरे अपने सदमे के साथ जीना सीख रही थी। इन 11 आरोपियों की रिहाई ने मुझे मेरी शांति छीन ली और न्याय की व्यवस्था पर मेरा भरोसा हिला दिया। मेरा दुख और ये डगमगाता विश्वास सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए है जो इंसाफ की तलब में अदालतों में आज लड़ रही हैं। इन आरोपियों को रिहा करने के इतने बड़े और अन्यायपूर्ण फैसले से पहले किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मेरी सुरक्षा और बहाली के बारे में नहीं सोचा। मैं गुजरात सरकार से अपील करती हूँ कि इस हानिकारक फैसले को वापस ले, शांति से और निडर होकर मेरे जीवन जीने का अधिकार मुझे वापस लौटाए, मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बिल्किस बानो की तरफ से जारी एडवोकेट शोभा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके बयान में जो दर्द झलक रहा है वो शायद, वो कहते हैं ना कि प्रसव की पीड़ा एक महिला ही जान सकती है। तो जो रेप विक्टिम है, जो आजाद भारत का सबसे जघन्य केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद गुजरात सरकार को कहा था कि आप इनको 5 लाख का मुआवजा दीजिए, उस केस में जो आरोपी थे जिन्होंने हत्या की, बलात्कार किया, बच्ची को मारा, उनको बीजेपी सरकार रिहा कर देती है और कोई भी सो कॉल्ड लिबरल, सो कॉल्ड संविधान को बचाने वाला, सो कॉल्ड मानवता के लिए लड़ने वाला वकील या एक्टिविस्ट सामने नहीं आता है। और बिल्किस बानो जो है आज भी वो जिसको उम्मीद थी कोर्ट पर, जिसको उम्मीद थी न्यायालय पर, आज उसका भरोसा विश्वास डगमगाता है। क्या सब क्या भरोसा है कि ये जो 11 आरोपी है जिनकी
माला पहनाई गई, जिनका भव्य स्वागत किया गया, जिनको तिलक लगाया गया, ये फिर से जो है उसको जाकर नहीं डराएंगे। क्या इसकी क्या गारंटी है कि बिल्किस बानो अब महफूज रहेगी, क्या गारंटी है कि बिल्किस बानो आगे जिंदा रह भी पाएगी या नहीं? तो ये सारे सवाल है जो बिल्किस बानो के मन में उमड़ रहे हैं, जो उन्होंने अपने जवाब में लेटर के जरिए पूरे देश के सामने रखे हैं। आपको याद होगा जब शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी तो प्रशांत भूषण ने जाकर वहां पर याचिका डाली के लिए अपराधी बाहर रहेगा जो समाज के लिए खतरनाक है, लेकिन प्रशांत भूषण आज कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि विक्टिम मुसलमान है, बिल्किस बानो उसका नाम है, लेकिन वो शहाबुद्दीन के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं क्योंकि वहां पर जो आरोपी था, जो जेल से छूट कर आया था, वो किसी का मसीहा था, किसी के लिए काम करता था, तो प्रशांत भूषण जैसे जो लिबरल बनते हैं उन लोगों की अब आवाज नहीं उठेगी क्योंकि यहाँ पर बिल्किस बानो है। और ये जो न्याय की जो हत्या की गई है, एक महिला के साथ जो मजाक किया गया है, जिसने अपना परिवार गवा दिया, अपने बच्चे गवा दिए हो, और जिसको कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया हो कि इनको 50 लाख का जुर्माना दीजिए, जो आजाद भारत का सबसे विभत्स कांड हो, उसमें आरोपियों को, जो दोषी थे दोषियों को बीजेपी सरकार छोड़ देती है, रिहा कर देती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार भारत में न्याय किस तरीके से मिलता है। अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सत्ता में बैठे लोगों से संपर्क में हैं, तो आपको जो है आपके साथ खून माफ है, चाहे आपने बलात्कार किया हो, हत्या की हो, आप जेल से बाहर घूम सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा आपको याद होगी, जिनकी गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी है वो संसद में बैठी हुई है। और ये देखिए यूपी में जिस तरीके से लगातार झूठे लव जिहाद के केस बनाकर मुस्लिम नौजवानों को फंसाया जा रहा है, उसका एक और कहानी, एक और किस्सा है। देखिए अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है, प्रयागराज पल्लवी सिंह ने मोहम्मद आलम से निकाह किया था, घरेलू झगड़े के बाद मायके जाने वाली पल्लवी का आरोप कि उसने जब पति का फोन रोक पाया तो गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने थाने गई और पुलिस ने तोड़ मरोड़ कर लव जिहाद का मामला दर्ज किया और अब परेशान कर रहे, वही पुलिस ने आरोप झूठा बताया है। यह आप देख सकते हैं कि इनकी बात सुन लीजिए किस तरीके से बता रही है कि पुलिस उनको प्रताड़ित कर रही है, जबकि इनकी शादी ब्याह पहले ही हो चुका है, दोनों साथ रह रहे थे, और महिला जब उनका थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो उसको ही उल्टा लव जिहाद का एंगल देकर उस पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। मैं अपने मायके गई हुई थी, मेरे पति से थोड़ा बहुत नोक झोंक हो गई थी, उसके बाद मेरे पति के अचानक फोन ऑफ आने लगा और उसके बाद से मैं अपने मायके से मैं आई कर्नलगंज थाने में। कर्नलगंज थाने में मैं गुमशुदगी की मैं एप्लीकेशन दी थी कि मेरे पति को ढूंढा जाए, मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा, मोहम्मद आलम एडवोकेट नाम है उनका, और मैं अपने पति को मैं ढूंढने की बहुत कोशिश की। और पुलिस में वहाँ जब मैं कर्नलगंज थाने पर गई थी तो कर्नलगंज थाने पर जाने के बाद उन लोगों ने मुझे बंधक बना दिया, बंधक बना के पता नहीं कैसे तोड़ फोड़ मोड़ करके मेडिकल के लिए वालों बुला रहे हैं लोग, कौन से एफआईआर किए हैं लोग, अभी तक मुझे एफआईआर कॉपी नहीं मिली है, और क्या मुझे ये नहीं मालूम है गुमशुदगी में कहीं मेडिकल तो होता नहीं है, मैं ये सुनी हुई हूँ, अब मैं थोड़ा बहुत जानती भी मेडिकल नहीं होता है, मुझे बार बार मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है, बार बार बंधक बना कन्नागंज पुलिस बुला रही है, बोल रहे हैं लोग मेडिकल कराने आ जाओ, मेडिकल कराने आ जाओ, मेरे ससुराल में भी जाके कह रहे हैं लोग सिलेंडर कर दे, लोग मैं तो मकान गिरा दूंगी, मकान गिरा दूंगा, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग। तो सुना आपने, यूपी में ऐसे हालात है, अगर आप मुसलमान हैं तो आप प्यार भी नहीं कर सकते, बल्कि ये सोच लीजिए आप जिंदा है तो ये काफी है। और ये देखिए, और अब ये वीडियो देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मुस्लिम परिवार का घर है जहां पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने उस पर हमला किया, उनके घर पर तोड़फोड़ की और लूटपाट कर चले गए। मामला क्या है, मामला समझिए, अब्दुल कादिर नाम के एक शख्स थे जिन्होंने जो हिंदू देवी देवता है उन पर एक आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो संगठन थे हिंदुत्ववादी संगठन थे वो चाहते थे कि इनके घर पर बुलडोजर चले, प्रशासन ने उसकी इजाजत नहीं दी, उसको मना कर दिया कि हम बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन जो आरोपी है जो कादिर है वो पुलिस हिरासत में है, गिरफ्तार है, लेकिन जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो डिमांड कर रहे थे इसके घर पर बुलडोजर चले, तो प्रशासन जब मना कर देता है तो ये
70-80 लोग पहुंचते हैं और उनके घर पर तोड़फोड़ मचा देते हैं, लूटपाट करते हैं। ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं आज कानून व्यवस्था की क्या हालत है, खासकर जहां पर बीजेपी सरकारें हैं। ये मध्य प्रदेश के मैं बता दूं आपको, देखिए अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है, जिस व्यक्ति ने देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट किया उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, फिर भी इन घरों में तोड़फोड़ क्यों की, ये भी गैर कानूनी है और इसके आरोपियों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए काशिफ काकवी है, उन्होंने ट्वीट किया है, देखिए शहडोल मध्य प्रदेश के शहडोल का मामला है, जहां पर 3 मुस्लिम फैमिली रहती थी, उनमें से एक शख्स ने देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट किया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 80 से 90 लोग जाते हैं और उसके घर पर तोड़फोड़ मचाते हैं। तो ये से हालात है। आज हिंदुत्ववादी संगठन जो है अपने हिसाब से सड़क पर जब चाहे जहां चाहे फैसला करते हैं और इसमें शासन प्रशासन खामोश रहता है। जब प्रशासन ने इजाजत नहीं दी इन पर घर पर बुलडोजर चलाने की, तब उन लोगों ने इनके घर पर हमला कर दिया। देखिए उस संदर्भ में वहां के जो ASP है शहडोल के SSP मुकेश वेश्या, उन्होंने इसको इस पर क्या कहा है वो सुन लीजिए। पूरा मामला ये है कि आज सुबह एक व्यक्ति ने फेसबुक में अपनी ID से एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध में आपत्तिजनक पोस्ट की है और उस पोस्ट के विरुद्ध में लोग भड़क है और जैसे ही पुलिस को खबर मिली है थाना धनपुरी को, तत्काल उस आरोपी के विरुद्ध में FIR हुई है और अपराध पंजीकृत करके उसको राउंड अप किया गया है और राउंड अप करने के दौरान ही कुछ दूसरे समुदाय के लोगों ने यहाँ पर आजाद चौक में भीड़ इकट्ठी कर ली और जाम कर दिया और वो इसके विरुद्ध अनेक कार्रवाइयों की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ के SDOP DI और शहडोल से भेजा हुआ पर्याप्त बल था और वो लोग उससे बातचीत कर ही रहे थे कि इसी दौरान कुछ उसमें शरारती तत्व थे जो आरोपी दूसरे समुदाय के आरोपी के घर जाकर और उसके घर में तोड़फोड़ करी है और इस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और इस पर अपराध पंजीबद्ध करते इस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सुना आपने, ऐसे हालात है आज जो है जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो कानून को अपने जूते की नोक पर रखते हैं और वो है प्रशासन से भी आगे, कानून संविधान से ऊपर उठकर खुद फैसला करने की हिम्मत और ताकत रखते हैं, आप सोचिए। लेकिन जो पुलिस है जो सरकार है वो इन पर कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि जो पीड़ित है या जो आरोपी है वो मुस्लिम है और जो जिन्होंने इनके घरों को तोड़ा, जिन्होंने इनके घरों को लूटा, वो आरोपी किसी खास विचारधारा से ताल्लुक रखते, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये खबर थी कि एक तरफ बिल्किस बानो का वो लेटर आज वायरल हो रहा है जहां उन्होंने जवाब दिया है और उनके अंदर की जो तूफान है वो उस लेटर में आप देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा होगा। बिल्किस बानो का मामला ऐसा मामला था जो आजाद भारत का सबसे जघन्य और विभत्स मामला था, जिस पर देश को जो है देश के तमाम लोगों को बिल्किस बानो के साथ आना चाहिए था, लेकिन आज भी बिल्किस बानो अकेली तनहा है। 20 साल उसने बड़ी मशक्कत कर अकेले तनहा लड़ाई लड़ी, उन आरोपियों को दोषी करार पाया गया और उनको सजा हुई, जहां पर उनके अंदर एक न्याय की आस उठी थी, जो अदालतें हैं उन पर भरोसा जमा था। लेकिन आज जो है सरकार जब उन दोषियों को, रेप के दोषियों को छोड़ देती है, फिर से वो चिंता में है, विश्वास में है। आप सोचिए कि उस महिला के साथ, जिस महिला के साथ 11 लोगों ने बारी बारी से बलात्कार किया हो और उसकी स्थिति क्या होगी, और जब उसको पता चलेगा कि जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था, 3 साल की बच्ची को जान से मार दिया था, उसकी आंखों के सामने उसके अंदर कैसा तूफान उठ रहा होगा। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या बिल्किस बानो के साथ आज भारत को खड़ा नहीं होना चाहिए, क्या शक्ति मिल, जब हम निर्भया की बात करते हैं, निर्भया के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, पूरे देश में कानून बनाने की बात होती है, क्या बिल्किस बानो के लिए कानून नहीं बनना चाहिए, क्या बिल्किस बानो के साथ आज पूरे समाज को खड़ा नहीं होना चाहिए। ये तमाम सवाल, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।